देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो खुद ही प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हैं। चाय बेचकर और अपनी मेहनत के बल पर जो आदमी देश के प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर बैठ जाए, और सिर्फ बैठे ही नहीं बल्कि सरकार ऐसी चलाए कि दुनिया में अपना नाम कर दे, दुनिया में अपने देश का नाम कर दे, तो ऐसी शख्सियत का तो पूरा जीवन ही प्रेरणा लेने वाला है। और तो और, पीएम मोदी खुद भी ये निश्चित करके चलते हैं कि उनका जीवन किसी के लिए प्रेरणा ही बने। वो अपने व्यक्तित्व से कभी किसी को निराश न करें, तभी तो एक बल देने वाले, एक मजबूती देने वाले, हर किसी के जीवन की अहमियत को समझने वाले, सबका हित सोचने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहचान है। पीएम मोदी ने कई मौकों पर साबित किया है कि वो विश्वास करते हैं कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है। वो मानते हैं कि हर किसी के अंदर भगवान का दिया कोई ना कोई नायाब हुनर होता ही है, बस उसे पहचान देना जरूरी होता है, और इस काम में कभी पीछे नहीं रहे पीएम मोदी। जनता के बीच रहकर, जनता को अपना बनाकर, उनका अपना बनकर काम करते हैं पीएम मोदी। यकीन ना हो तो पीएम मोदी का हाल ही का एक ट्वीट देख लेते हैं। 8 जुलाई का रात 9:38 पर किया गया ये ट्वीट बता रहा है कि पीएम मोदी जानते हैं कि हर किसी को प्यार से ही जीता जा सकता है। तभी तो पीएम मोदी ने एक युवक को गले लगाए तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए साझा किया। पीएम मोदी शनिवार को तेलंगाना के वारंगल पहुंचे थे और यहीं पर रहते हुए उन्होंने एक युवक को गले लगाए तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया। पीएम मोदी ने लिखा, अभूतपूर्व कामिसेट्टी वेंकट प्रतिभा और ऊर्जा का पावर हाउस है। वेंकट ने ऑटिज्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और गायन करते रहे। उन्होंने नाटू नाटू गाना गाया और इस पर डांस भी किया। मैं उनके धैर्य को सलाम करता हूँ। कुछ इस तरह से पीएम मोदी ने वेंकट की हौसला अफजाई की। ऐसे में सवाल ही उठ सकता है कि हौसला अफजाई करना ठीक है, बढ़ावा देना ठीक है? पीएम मोदी ये सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं और ये सब उसी का नतीजा है कि उनके विश्वास की वजह से देश आज इतना आगे बढ़ा है। लेकिन ये वेंकट हैं कौन जिनके बारे में पीएम मोदी बात कर रहे हैं, और ये वेंकट आखिर पीएम मोदी से कैसे मिले? वेंकट से कैसे मिले पीएम मोदी? पीएम मोदी की कामिसेट्टी वेंकट से मुलाकात तेलंगाना के वारंगल में हुई। वेंकट वही मौजूद थे जहां करीब 6100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखने या उद्घाटन करने और जनसभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। और यहां जब पीएम मोदी वेंकट से मिले तो जैसे उनकी प्रतिभा के कायल ही हो गए। उन्होंने वेंकट को गले से लगाया और जमकर हौसला अफजाई की। फिर ट्वीट करके भी वेंकट का हौसला पीएम मोदी ने बढ़ाया। वहीं जब पीएम मोदी ने इस तरह से वेंकट का हौसला बढ़ाया तो सोशल मीडिया पर भी वेंकट के बारे में बात होने लगी। गौरव माहेश्वरी नाम के यूजर ने लिखा, एक ऐसा नेता जो भावनाओं से भरा है, जिसकी पूरी जिंदगी समाज के लिए समर्पित है। नमन है आपको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। कश्मीर अहेड नाम के यूजर ने लिखा, वेंकट इज एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, सैल्यूट। वहीं एक और यूजर ने लिखा, वेंकट इज वन हु कैन इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपल, हिज टैलेंट एंड यूथफुल एनर्जी इज इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेटिंग फॉर दोज हु थिंक ऑफ देयर डेफिशिएंसी इंस्टेड ऑफ देयर सफिशिएंसी। मौलिक पटेल नाम के यूजर ने लिखा, ग्रेट सर फॉर मीटिंग अ पर्सन विद ऑटिज्म, पीपल विद ऑटिज्म कैन बी मल्टी टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड फॉर द सोसाइटी, गुड टू सी दिस जेस्चर। कुल मिलाकर ज्यादातर लोगों ने पीएम मोदी के इस तरह के ऑटिस्टिक युवक से मिलने को सराहा ही, पीएम मोदी के इस जेस्चर की तारीफ ही की। ऐसे में यहाँ ये भी जान लेते हैं कि क्या है ऑटिज्म बीमारी। ऑटिज्म को मेडिकल की भाषा में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ये एक विकास संबंधी गड़बड़ी है। इस वजह से लोगों को बातचीत करने, पढ़ने लिखने में और समाज में घुलने मिलने में परेशानी आती है। इस तरह की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति का दिमाग अन्य लोगों की तुलना में अलग तरह से काम करता है। क्या होते हैं ऑटिज्म के लक्षण और ये कब नजर आते हैं? कहा जाता है कि इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर 12 से 18 महीने की आयु में दिखने लगते हैं। कई बार ये इससे पहले भी नजर आ जाते हैं, जो सामान्य से गंभीर हो सकते हैं। आमतौर पर 2 साल की उम्र के आसपास किसी बच्चे में ऑटिज्म होने का पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चे के स्कूल जाने पर या टीनेजर होने पर उसके ऑटिस्टिक होने का पता चलता है। अब तक ऑटिज्म के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। हाँ, लेकिन ये जरूर सुनने में आता है कि ये बच्चे किसी न किसी स्किल में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे वेंकट की प्रतिभा के ही तो कायल हो गए पीएम नरेंद्र मोदी। वैसे जिस तरह से पीएम मोदी ने वेंकट को प्यार और सम्मान दिया है, तरह से वेंकट को गले लगाया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।